अमरोहा में ट्रक में बाइक सवार को 400 मीटर तक घसीटा। बाइक में आग लगने से जलकर हुई बाइक सवार की मौत। कोहरे के चलते हुआ हादसा। आजमगढ़ में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। शौच करने गई नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप को लूटने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में हुए ढेर। पुलिस ने दोनों पर रखा था 50-50 हजार रुपए का इनाम। सिटी कोतवाली पुलिस और खुर्जा पुलिस ने एनकाउंटर किया। मारे गए लुटेरों के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के गहने, तमंचे कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा हुआ फरार। गिरफ्त में आए शातिर बदमाश पर लूट, डकैती और हत्या जैसे कई मुकदमे दर्ज। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा कारतूस और एक बाइक भी बरामद की। अमरोहा के धनोरा इलाके में मकान के लालच में बुआ और फूफा ने एक लौते भतीजे की हत्या कर दी। नहर के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। बस्ती में ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दो बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। रुथौली इलाके के विशनवपुरा चौराहे की घटना। औरैया में दबंगों से परेशान महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाया। पीड़ित महिला का आरोप, कुछ दबंगों ने उसे खेत पर कब्जा कर लिया। बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कांग्रेस का प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी फूंका गया। बढ़ती महंगाई को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर नारेबाजी की। रुड़की में जैन समाज का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने सरकार के फैसला वापस लेने की मांग की है। झारखंड में जैन तीर्थ स्थल से श्री समेद शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने का जगह जगह विरोध हो रहा है। कल हल्द्वानी जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। वनभूलपुरा में अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर लोगों से करेगा मुलाकात। रेलवे की जमीन से 4,000 परिवारों को हटाने की तैयारी। हल्द्वानी में वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमणकारियों के आने की आशंका को लेकर विभाग हुआ अलर्ट। वन विभाग की 4 टीमें लगातार कर रही है मॉनिटरिंग। रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं होने दिया जाएगा अतिक्रमण। बढ़ती महंगाई के विरोध में देहरादून में विपक्ष का प्रदर्शन। गैस सिलेंडर तेल के बड़े दामों के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस। प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हल्द्वानी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चिम्बाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लगातार बढ़ रहे बिजली के दामों के विरोध में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। काशीपुर के कृष्णा हॉस्पिटल के उधम सिंह नगर के ऊपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अधिकारी की तहरीर पर काशीपुर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मसूरी के मॉल रोड पर हुटर बजाने को लेकर हुआ हंगामा। वीआईपी के सुरक्षा कर्मियों ने की दबंगई दिखाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता की पिटाई। बंदूक दिखाकर मारने की धमकी भी दी। आक्रोशित लोगों ने पुलिस से मामले की कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। 5 गाड़ी के काफिले के साथ नो एंट्री में वीआईपी ने एंट्री। रानी झील के सौंदर्यकरण के लिए धनराशि हुई स्वीकृत। जिला योजना से मिले 15 लाख रुपए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने किया शिलान्यास। लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की अल्मोड़ा में बैठक हुई। सांस्कृतिक दलों ने बैठक में सरकार से 3 सूत्र मांग रखी। लोक कलाकारों को मानदेय बढ़ाएं, साथ ही लंबित बिलों के भुगतान और सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण की भी मांग। टिहरी के अटाली गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत हो रहा है सुरंग का निर्माण। लोगों के खेतों और घरों में पड़ रही है दरारें। पौड़ी जिले में क्षतिग्रस्त बागघाट पुल से बड़ी ग्रामीणों की समस्या। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही है। जरूरी सामान पाने के लिए महंगे दाम चुकाने को मजबूर है ग्रामीण। रुड़की ईंट भट्टा संचालकों की मनमानी पर कार्रवाई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का पालन न करने पर 40 ईंट भट्टों को नोटिस। नई जिगजैग ब्रिक तकनीक का नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल। उत्तर भारत के साथ उत्तराखंड में भी कड़कड़ाती ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े में पहनाए गए। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।